वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सैनरा एडवांस एजुकेशन। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे मैथमेटिक्स क्लास सेवन्थ, और आज की जो हमारी एक्सरसाइज है 1.1, क्वेश्चन 21 इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद एग्जांपल्स। अपनी लास्ट वीडियोस में हमने स्टडी किया प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम्स एंड को प्राइम्स के बारे में। आज हम बात करेंगे डी पार्ट डिफिशियंट नंबर्स, ई परफेक्ट नंबर्स एंड एफ एबंडेंट नंबर्स के बारे में। तो ये देखते हैं व्हाट इज डिफिशियंट नंबर्स। पार्ट फोर्थ, डिफिशियंट नंबर। तो डिफिशियंट नंबर होता क्या है हमारा? ए नेचुरल नंबर इज डिफिशियंट इफ इट इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिवाइजर्स। मतलब क्या है कि अगर हमारा जो नंबर है वो अपने सभी जो प्रॉपर डिवाइजर्स होते हैं उन सभी डिवाइजर्स के एडिशन के से ज़्यादा होता है, एडिशन से बड़ा होता है वो नंबर, तो वो हमारा कहलाता है डिफिशियंट नंबर। राइट, एक बार हम फिर से देख लें। ए नेचुरल नंबर इज डिफिशियंट इफ इट इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिवाइजर, यानी कि जो नंबर है उसके जितने भी डिवाइजर्स होते हैं, जितने उसके फैक्टर्स होते हैं, राइट, उन फैक्टर्स से, उन डिवाइजर्स के एडिशन, अगर हम उनका ऐड कर दें उनको, तो वो एडिशन हमारे दिए गए नंबर से कम होता है, यानी कि हमारा नंबर जिसके वो फैक्टर किए गए हैं वो अपने डिवाइजर के एडिशन से ज़्यादा है। तो आइए देखते हैं एग्जांपल में, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। 75 जो हमारा नंबर है, 75 एक ऐसा नंबर है, इसके जो फैक्टर्स होते हैं हम देखते हैं कि जो डिवाइजर्स हैं, फैक्टर्स हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहला फैक्टर है इसका 1, क्योंकि 1 हर किसी नंबर को का फैक्टर होता है, हर किसी को प्रॉपरली वो डिवाइड करता है, ठीक, कट कर देता है। ऐसे हम बात करें जो सेकंड इनका जो फैक्टर है वो 3, देखिए 3 से भी एक पूरा पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 6 एंड 3 5 3 5 15। तो एक 3 जो नंबर है वो भी इसका क्या है, डिवाइजर है या फैक्टर है। ऐसे हमारे जो 5 से देखते हैं, 5 से भी ये डिवाइड हो जाता है पूरी तरह से, 5 1 5 एंड 5 5 25, सो एक 5 डिवाइजर है। ऐसे हम बात करें तो इसका 6 नहीं होगा, 7 नहीं, ओके, 9 से भी नहीं हो पाएगा ये, 11 से, फिर इसका जो डिवाइजर होता है वो 15 होगा, राइट, सो 15 5 75। एंड देन हमें ये ध्यान रखना है कि जो नंबर है उस नंबर से जो इसके जो डिवाइजर हैं वो नंबर खुद नहीं होना चाहिए, नंबर से छोटे जो डिवाइजर्स हैं वो फैक्टर्स हैं, उसे हमें यहाँ लिखना है। 25 भी इसका एक डिवाइजर होगा, राइट, 25 3 75, ओके, सो दीज आर द डिवाइजर्स ऑफ 75। अगर हम ऐड करें डिवाइजर्स को, 1 + 3 + 5 + 15 + 25, तो हमारा जो इसका एडिशन होगा वो कितना होगा, देखते हैं, 1 and 3 4 और 5 9, 9 and 15 24, 24 and 25 49, राइट, सो 49। अब हमें देखना ये है कि जो हमारे इसका एडिशन आया है 49 है, क्या वो नंबर जो हमारा दिया गया नंबर था ये इस नंबर से बड़ा है या छोटा है, राइट, तो ऑब्वियसली जो हमारा 75 है ग्रेटर देन है अपने डिवाइजर्स के एडिशन के 49 के, राइट, ये ज़्यादा है, सो वी कैन से 75 इज द डिफिशियंट नंबर। नाउ द पार्ट 6th इज एबंडेंट नंबर। एबंडेंट नंबर, तो हमारे एबंडेंट नंबर्स क्या होते हैं? एबंडेंट नंबर्स आर दोस नंबर्स, ए नेचुरल नंबर इज एबंडेंट इफ इट इज लेस देन द सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिवाइजर। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एक एबंडेंट नंबर, वो नेचुरल नंबर्स होते हैं जो अपने जो प्रॉपर डिवाइजर्स होते हैं उनके एडिशन के, उनके एडिशन से छोटे होते हैं, वो नंबर्स हमारे एबंडेंट नंबर्स कहलाते हैं। एक बार हम फिर से देख लें, ऐसे नेचुरल नंबर्स
एबंडेंट नंबर कहलाते हैं, जो अपने प्रॉपर डिवाइजर्स, जो भी इनके प्रॉपर डिवाइजर्स होते हैं, अगर हम उनको ऐड करते हैं तो जो एडिशन नंबर्स का आता है उस एडिशन से वो नंबर छोटा होता है तो हमारा एबंडेंट नंबर कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल में हमारे पास 12 है, राइट। 12 एक नंबर है, जिस 12 को देखते हैं हम, यहाँ पर 12 के जो फैक्टर्स हैं, जो डिवाइजर्स हैं, प्रॉपर डिवाइजर्स, सबसे पहले वन, वन सभी का प्रॉपर डिवाइजर होता है। दूसरा जो डिवाइजर है वो टू, क्योंकि वो 12 को हम 2 से भी प्रॉपरली डिवाइड कर सकते हैं, 2 6 12। ओके, ऐसे ही एक इसका जो डिवाइजर है 3 भी है, तो 3 4 12। देन 4 इज ऑल्सो ए डिवाइजर ऑफ 12, राइट। 4 3 12। देन 5 इज नॉट अ डिवाइजर। देन 6 इज ऑल्सो ए डिवाइजर, 6 2 12। और हम बात करें तो आगे 12 को तो हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें इनसे इनके केवल डिवाइजर्स लिखने हैं, उस नंबर को सेल्फ नहीं लिखना है, राइट। तो अब हम ऐड करते हैं डिवाइजर्स को, जो इसके प्रॉपर डिवाइजर हैं, तो इनका सम होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6। हमने इनको ऐड किया, एडिशन हम देखते हैं कितना आता है इसका। 1 एंड 2 इक्वल टू 3, 3 प्लस 3 6, 6 और 4 10, एंड 10 एंड 6 16, राइट। तो इनका जो एडिशन है वो आ गया 16। तो अब देखना यह है कि जो हमारा दिया गया नंबर था वो 16 से छोटा है या ज़्यादा है। सो 12 जो है वो लेस देन है 16 से, यानी कि 16 से वो नंबर जो है हमारा 12 छोटा है। अब क्योंकि ये छोटा है तो छोटा नंबर है, इसलिए वो एबंडेंट नंबर है। ऐसे ही आपको बाकी नंबर्स और भी देखने हैं, ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जो अपने जो एबंडेंट नंबर्स में आते हैं, यानी कि अपने सभी प्रॉपर डिवाइजर्स की एडिशन से छोटे होते हैं, राइट। नाउ परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं? परफेक्ट नंबर्स आर दोज नंबर्स इफ द फैक्टर ऑफ ए नंबर एस्पेक्ट द नंबर इटसेल्फ एड अप टू द नंबर, इट इज ए परफेक्ट नंबर। मतलब क्या है? सो परफेक्ट नंबर्स आर दोज नंबर्स, अगर हम किसी जो नंबर हमें दिया गया है उस नंबर के जो हमारे जितने भी डिवाइजर्स होते हैं उसको अगर हम ऐड करें, सभी डिवाइजर्स का सम निकालें, ऐड करें, ऐड करने के बाद जो हमारा नंबर आता है वो हमारे दिए गए नंबर के इक्वल अगर हो जाए तो वो हमारा परफेक्ट नंबर कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल 6, 6 जो है हमारा एक परफेक्ट नंबर है। कैसे? अगर हम 6 के फैक्टर देखें, 6 के जो हमारे डिवाइजर्स हैं, सबसे पहला 1, 1 से 6 प्रॉपरली डिवाइड हो जाता है। दूसरा डिवाइजर जो है हमारा 2, 2 3 जा 6। तीसरा जो डिवाइजर डिवाइजर है वो 3 है, 3 2 जा 6। ओके, बाकी इस खुद के नंबर यानी कि 6 को हम नहीं लिखेंगे, केवल 1 2 एंड 3, ये इनके जो प्रॉपर डिवाइजर्स हैं, अगर हम इसको ऐड करें 1 प्लस 2 एंड प्लस 3, तो देखते हैं क्या आता है। 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 एंड 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। तो हमारे जो डिवाइजर्स हैं 6 के ऑल, इनको हमने ऐड किया तो इसका मतलब क्या है? 6 इसका आंसर आया। तो हमारा दिया गया जो नंबर है 6 6 इक्वल टू द एडिशन ऑफ इट्स प्रॉपर डिवाइजर इज सेम। तो वो दोनों सेम है, अतः हम कह सकते हैं कि जो 6 है वो एक परफेक्ट नंबर है। ऐसे ही आपको और भी बहुत सारे परफेक्ट नंबर्स मिल सकते हैं। आप चेक करें कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जो अपने डिवाइजर्स की एडिशन के इक्वल होते हैं। ओके, यू कैन चेक इट। जैसे एक और हमारा 28 जो है वो भी एक परफेक्ट डिवाइजर्स है, राइट, परफेक्ट नंबर है। तो आप इसको चेक करें योरसेल्फ कि आखिर इसके जो डिवाइजर्स हैं कौन कौन से डिवाइजर्स हैं। 28 को नहीं रखना है, बाकी ऐड करें और चेक करके इसको देखें।